देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। फूलखेड़ी से पकड़ाया अवैध शराब का जखीरा, राजगढ़ एसपी शिमला प्रसाद की बड़ी कार्रवाई। राजगढ़ जिले के ग्राम गूलखेड़ी में कई दिनों से अवैध शराब का धंधा फुल रहा था, जिसको रोकने के लिए राजगढ़ एसपी शिमला प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने फूलखेड़ी में एक साथ मिलकर दबिश दी और मौके पर से लाखों रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की। जब्ती के दौरान विदेशी ब्रांड एवं पंजाब नॉर्थ ईस्ट की शराब भी प्रशासन ने जब्त की। प्रशासन ने सुबह 6:30 बजे कार्रवाई शुरू की। जब्ती में 220 पेटी अंग्रेजी एवं 70 पेटी देशी शराब जब्त की। एसडीएम नरसिंगड़ द्वारा बताया गया कि पुलिस एवं सशस्त्र बलों पर द्वारा ग्रामवासियों द्वारा पथराव भी किया गया, जिससे 2 सरकारी वाहन एवं निजी वाहन के शीशे भी टूटे, जिस पर प्रतिक्रिया लेते हुए सशस्त्र बलों द्वारा 25 राउंड टीयर गैस के गोले छोड़े एवं भीड़ को तितर बितर किया। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन द्वारा की गई ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। नरसिंगड़ से संकल्प मिश्रा की रिपोर्ट, खबर समय जगत के लिए। गुरखेड़ी में अवैध शराब का धंधा बहुत जोर शोर से चल रहा है, और क्योंकि ये निर्वाचन का समय है और हमने तैयारी करी इसके लिए, 2 दिन प्रिपरेशन करी हमने इसके लिए, प्रिपरेशन बाहर लीक नहीं करी गई हमारी टीम द्वारा, हमने इस पर पूरी निगरानी रखी। उसके बाद आज प्रशासन, पुलिस और एक्साइज तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करी। मैं थोड़ा सा कार्रवाई का विवरण आप लोगों को दे देता हूँ कि क्या हमने इसमें कार्रवाई में फॉलो किया। यहाँ से हम लोग पचोड़ थाने पर एक्साइज विभाग, पुलिस विभाग और हमारा प्रशासन पूरा वहाँ पर इकट्ठा हुआ। एसडीएम नरसिंगगढ़ मैं खुद, एसडीएम सारंगपुर, एसडीओपी नरसिंगगढ़, एसडीओपी ब्यौरा राजगढ़ सारंगपुर खिलजीपुर, हमारे नायब तहसीलदार सब वहाँ पर इकट्ठे हुए। सीआरपीएफ का हमारे को रिजर्व बल मिला वहाँ पर फोर्स के लिए, 40 सीआरपीएफ का बल मिला। हम वहाँ पर इकट्ठे हुए 5:15 बजे सुबह, सबकी ब्रीफिंग करी गई और सुबह ही सबको बताया गया ताकि ये चीज़ लीक ना हो वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से 6:15 बजे सनराइज के टाइम पे हमने सीधे गुलखेड़ी चले गए। वहाँ पर गुलखेड़ी में सबसे पहले हमने घरों की जांच पड़ताल करी। घरों की जांच पड़ताल करके हमारे को वहाँ पे जो भी सामान मिली, हम एक्साइज के ट्रक्स में हमने उनको फिल करा पूरा। हर ट्रक में हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के व्यक्ति बिठा दिए ताकि जो सामान है उसकी देखरेख हो पाए। और वहाँ से फिर हम वापस आए और जो दुकानें हैं दुकानों के हमने ताले खोले और दुकानों से जो शराब थी वो जब्त कर ली हमने। और इस जब्ती में हमारे तकरीबन 280 पेटियाँ जब्त हुई हैं, जिसमें 210 से 220 के करीब अंग्रेजी शराब है और तकरीबन 70 पेटियाँ देसी शराब की हमें मिली है वहाँ पर। ये हमारी तरफ से कार्रवाई हुई। आप लोगों कुछ प्रश्न हूँ तो हम उस पर जवाब दे। सर क्या पत्थरबाजी हुई क्या प्रशासन के ऊपर? हाँ, पत्थरबाजी की गुलखेड़ी में पत्थरबाजी हुई है प्रशासन के ऊपर। हम लोग एकदम सुबह ही चले गए थे तो उस टाइम उनको खबर नहीं लगी, तो हमने काम पहले शुरू करा और जैसे जैसे खबर मिली तो गांव वाले इकट्ठे हुए और पत्थरबाजी उस तरह से शुरू हुई। हमारी इसमें 2 गाड़ियाँ सरकारी और 2 निजी जो प्राइवेट वाहन हैं वो क्षतिग्रस्त हुए, उनके शीशे टूटे हैं। पर इस पत्थरबाजी के विरुद्ध प्रशासन और पुलिस ने एक बहुत ही कड़ा कदम उठाया। हमने 24 टीयर गैस शेल्स वहाँ पर फायर करे और सिचुएशन पूरी कंट्रोल में। सर इसमें कुछ प्रकरण भी दर्ज हुए? हाँ, इसमें हमने वीडियो बना ली है। वीड़ियो में ड्रोन से जो घर है ड्रोन से वीडियो बनाई है, अपने फ़ोन से वीडियो बनाई है, वीडियोग्राफर्स भी लेके गए थे, तो उन्होंने जो भी घर हैं वो सारे घर वीडियो में आ रहे हैं। घरों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है। ऑलरेडी 7-8 आइडेंटिफाई हो चुके हैं और समय दौरान हमारी इन्वेस्टिगेशन और भी दौरान होंगे, तो उनके अगेंस्ट FIR जो भी रेलिवेंट एक्ट होगा उसके अंतर्गत हम करेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर जैसा कि लगातार उस गांव पर गुलखेड़ी कड़िया सासी ये गांव भी लगातार अवैध शराब बिक्री का केंद्र बने हुए हैं, तो सारे जितने भी संदिग्ध जो गतिविधियां हैं जैसे कि जुआ सट्टा जो व्यापार ये सब भी वहाँ पर हमेशा से चलता है सर, तो ऐसे में सर अभी चुनाव को लेकर विशेष कार्रवाई या फिर लगातार सर वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए ये चुनावी दौर है और खबर हमें अभी मिली, तो ये एक इत्तेफाक भी है और हमने एक बल भी दिया, क्योंकि चुनाव में अगर शराब का धंधा होगा तो इससे पूरी चुनाव की प्रणाली इफेक्ट हो सकती है और लोकतंत्र ही खतरे में आ सकता है। तो अभी चुनाव था हमने कार्रवाई करी, इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो कार्रवाई नहीं करेंगे।
इसको हमें एक स्ट्रेटेजिक प्लान वे में चलेंगे और धीरे 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 करके, क्योंकि एक बार में पूरा खत्म नहीं होगा, हमें समझदारी के साथ आगे प्लान करना पड़ेगा और बार बार हम इस चीज़ को उठाएंगे और ये पूरा हमारा ये आशा है, उम्मीद है कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी वहाँ से का होगा। सर लगातार आपका ही विभाग पर ये आरोप लगता है कि आपका ये विभाग कहीं ना कहीं संलिप्तता, मतलब एक सांठगांठ आपका ये विभाग की इस तरह से उनसे होती है कि उन लोगों को या तो पहले उसकी सूचना मिल जाती है या फिर ऐसा भी हमेशा आरोप लगता आया है पुलिस के ऊपर कि वहाँ से पैसा पुलिस तक भी पहुँचता है या आपका ही विभाग तक। देखिए, इन आरोपों की पुष्टि तो हुई नहीं है तो मैं इन आरोपों पर कुछ लिख नहीं दूंगा, पर इन एनी केस हम लोगों ने सावधानी बरतने के लिए ये चीज़ किसी ने खुलासा ही नहीं करा कि हम कहाँ जा रहे हैं। पूरा पुलिस बल जब पचोर में इकट्ठा हुआ तो उनको 5:30-6 बजे बताया गया कि हम लोग जा रहे हैं ड्यूटी, और 15 मिनट बाद सीधे हम लोग क्या सीआरपीएफ के जवान थे, इसमें 40 का बल आया था हमारे पास सीआरपीएफ का, हम पूरी तरह से इक्विप थे, टीयर गैस थी हमारे पास, लाठियाँ थी हमारे पास और सबकी सावधानी के लिए हेलमेट थे हमारे पास, बुलेट प्रूफ थे हमारे पास। सर कुल मिला के सर पुलिस और प्रशासन और सीआरपीएफ के कुल कितने हमले में? तकरीबन आप इसको मान लें कि अराउंड 170 से 200 ली होती है। कार्रवाई कब तक चली सर, कितने घंटे की कार्रवाई थी? कार्रवाई हम लोग जैसे मैंने आपको बताया सनराइज 6:15 का है तो हम लोग सनराइज से पहुँच गए थे वहाँ पे 6:30-6:30 के बीच में तकरीबन, और 2.5 घंटे 2.5-3 घंटे तक कार्रवाई चली वहाँ पर, क्योंकि पहले घरों को छाना गया, सारे ताले तोड़े गए और उसके बाद दुकानों के ताले तोड़े गए और पूरी फोर्स हम पूरी सावधानी बरतते हुए किसी को भी हानि ना हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।